सर बकरी का बच्चा है खसी 15 दिन का, और टेम्परेचर उसका 102.5 करीब है, और है ना दूध नहीं पी रही, आज सुबह से दूध नहीं पी रही और बैठी रहती है, और ये है ना दांत खड़खड़ाती रहती है, दांतों से आवाज निकलता है कर कर करके, जब चपाते हैं ना आवाज देते हैं। दोस्तों, अभी अभी जो है आपने पशु मालिक का जो है अभी वीडियो जो है आपने मैंने आपको रिकॉर्ड जो है सुना दिया है। इस तरीके से जो है अपने हर पशु मालिक के फार्म पे जो है कोई ना कोई नई समस्या उनके सामने रोज एक नई चुनौती के साथ जो है आती रहती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है बकरी के बच्चे को बचाना। इस तरीके से ढेरों लाखों समस्या जो है बकरी पालन के साथ जो है हमेशा आती रहती है, जैसे कि घुटनों में सूजन हो या फिर पेशाब न करना, पेट में एसिडोसिस अल्कलोसिस, तमाम समस्या जो है उनका सामना करके जो है बच्चे को बचाना पड़ता है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको कोई सलूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इस तरीके से क्लू दूंगा कि आप जो है खुद सारी चीज़ें अपने घर पर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपके पास अगर नॉलेज है, हर एक वो चीज़ है आपके पास, जानकारी है, तो आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है बच्चों को बचा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कितने सारे जो है बकरी पालक है उनको जो है डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में बच्चे को हुआ क्या है। क्योंकि देखिए, कॉमन समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि बकरी का बच्चा जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का हो जाता है तो वो दूध नहीं पीता। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये तमाम लोगों के साथ जो है हमेशा आती है इस समस्या। तो इस समस्या में जो है काफ़ी लोगों के बच्चे जो है विदाउट डायग्नोसिस उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो उसी के कारण जो है बच्चे बच नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको अगर सही डायग्नोसिस करके उस चीज़ को, उस दवाइयों को दिया जाए तो 100% जो है बच्चे को बचा लिया जा सकता है। तो मुझे यही कहना है कि बस आपको सही अच्छे तरीके से डायग्नोस करना ज़रूरी है कि उसके पेट में प्रॉब्लम है या फिर फीवर है उसको, या फिर वो दूध नहीं पी पा रहा है तो कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है, उसको किसी विटामिन्स की कमी है, या फिर वो तमाम चीज़ें जो है आपको डायग्नोसिस करनी ज़रूरी है। क्योंकि आपके फार्म पे जो जो डॉक्टर आ रहा है उसको भी आपको उस तरीके से बताना होगा कि भाई इस तरीके से समस्या होगी, या फिर आपको तुरंत पशु मालिक को जो है इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, या फिर आपको खुद डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, या फिर तुरंत जो है अपने फार्म पे जो है पशु चिकित्सक को जो है बुलाना ज़रूरी है। हम क्या है कि छोटी सी समस्या समझ के जो है इसको छोड़ देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उसके बाद जो है बच्चे बिल्कुल अपना जो है पूरा धैर्य जो है छोड़ देते हैं और ये जो ठीक नहीं हो पाते, मर जाते हैं बच्चे। तो इसी के साथ जो है जो पशु मालिक है तो उनका जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इस काम में जो है फ़ायदा ही नहीं होता, तो इस तरीके से होता है। बाकी अपनी अपनी सोच होती है, हर आदमी की अपने काम करने का तरीका होता है। कोई जो है पहले से ही अपना ट्रेनिंग वगैरह लेके जो है जानकारी लेता है, उसके बाद जो है काम को शुरू कर लेता है। कोई कोई जो है जोश में आके जो है पहले काम को चालू कर देता है, जब प्रॉब्लम आती है तो बीच में जो है रोक देते हैं लोग। तो इस तरीके से तमाम समस्या जो है पशु मालिक को जो है आती है। इस तरीके से जो वीडियो हमें भेजा था पशु मालिक ने, तो हमारा जो कहना ये है कि बस एक छोटा सा जो मैसेज है सभी के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है काफ़ी लोगों का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इन्होंने हमारे साथ जो है संपर्क भी किया था, इनका जो ऑडियो मैंने शुरुआती में आपको सुना भी दिया, और कई सारे जो दो चार स्क्रीनशॉट थे वो भी लगा दिए वीडियो के अंदर। तो बस आपको दिखाना था, बस अगर कोई समस्या है तो आप जो है हमें व्हाट्सअप करें और पूरी समस्या जो है आपको भेजनी है, तभी जो है मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा।